जिला महिला चिकित्सालय के नवागत प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर भी उपस्थित रहे। इससे पहले डॉक्टर श्रीवास्तव स्वास्थ्य निदेशालय लखनऊ में अपर निदेशक के पद पर कार्यरत रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव अन्य जिलों सहित जनपद महाराजगंज में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जैसे उच्च पदों पर भी रह चुके हैं। नवागत प्रमुख अधीक्षक ने कहा कि मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ पर किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। सभी मरीज को अस्पताल से मिलने वाली सारी सुविधाएं मिल सके, यही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, प्राथमिकताएं रहेंगी कि हमारा अस्पताल सर्वोत्तम रहे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की का जिला है और यहाँ पे किसी भी मरीज को, किसी भी महिला को कोई परेशानी न होने पाए, इसी तरह को हमारा अस्पताल सबसे अच्छी हालत में चले और हर मरीज को सारी सुविधाएं मिले। देखिए वो तो जन जागरूकता का विषय है, ये तो आपको खुद, अगर हम आम आदमी नहीं सोचेगा कि हम अगर मरीज के साथ नहीं रहेंगे तो उसका भला होगा, तो अब क्या कर सकते हैं? अब इन लोगों को शिक्षा की बात ही है, ट्रेनिंग वाली स्टाफ नर्सें वगैरह वो सब थी, हमने उनसे समझाया कि तुम इन लोगों को बताओ कि तुम्हारे अंदर घुसने से तुम्हारे मरीज को ही नुकसान हो रहा है, इसलिए कोशिश करो कि बाहर रहें, ये सब करें, क्योंकि बहुत कड़ाई करने पे तो दूसरी ही बातें होने लगती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम लोग इसको समझा बुझा के करेंगे, इस तरह से बात करेंगे।